अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी पाकिस्तान फर्स्ट एवर यूट्यूब चैनल, जो कि रियल स्टेट की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचाता है, वो भी एट राइट टाइम फॉर योर राइट इन्वेस्टमेंट्स। और आज का टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पर प्राइस एंड प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ जाके बेल आइकन को प्रेस करें और हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल स्टेट की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस आउट ना करें। यार, आज का टॉपिक मेरा पसंदीदा टॉपिक है, क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है और लोगों के करोड़ों रुपए को ज़ाया किया जा रहा है। और आज हम उसी टॉपिक को छेड़ेंगे, दैट इज़ एडजस्टमेंट फॉर्म्स। सबसे पहले हम इस एपिसोड के अंदर देखेंगे एडजस्टमेंट फॉर्म्स कब लॉन्च होते हैं, कौन लॉन्च करता है, कैसे लॉन्च होते हैं और किस किस के ऑथेंटिक हैं, किस किस ने इसके नाम पर फ्रॉड किया है और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री पर चलेंगे एडजस्टमेंट फॉर्म्स की, ये जो आज रट चल रही है, लोगों को झांसा दिया जाता है, भाईजान 10,000 रुपए का एक फॉर्म आ रहा है सोसाइटी का, ये आप ले लें और चंद माह बाद, महीने के बाद, 20 दिन के बाद यही फॉर्म 10,000 वाला 10,500, 11,000 रुपए में बिक जाएगा और आप लालच में आके वो फॉर्म ले लेते हैं और ये चलता रहता है। एक आधी दफा आपको नफा होता है और फिर अचानक वो 10,000 रुपए जीरो हो जाते हैं। तो आपको पहले दो चार दफा, जिस तरह वो बेट दिया जाता है ना, छोटे बच्चों को टॉफी दी जाती है, तो आपको पहले टॉफी खिलाई जाती है, टॉफी के बाद आपके मुंह का नवाला भी ले लिया जाता है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। लेकिन क्या ये हमेशा से यूं था और क्या हर जगह ऐसे ही होता है? ऐसी बात नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्टार्ट के जी एडजस्टमेंट फॉर्म्स कैसे आए थे। यार देखो, बहरिया जो है, बहरिया टाउन, बहरिया डेवलपर्स, ये ट्रेंड सेटर्स रहे हैं मार्केट के, तो फॉर्म्स भी बेसिकली बहरिया के ही आया करते थे। एक ज़माना था जब बहरिया अपनी नई डील अनाउंस किया करता था, उसके इनिशियल फॉर्म्स आया करते थे। कोई भी नई डील आ रही है तो उसका इनिशियल फॉर्म आ गया, बुकिंग एप्लीकेशन फॉर्म जिसको कहा जाता था, तो वो फॉर्म आता था, लोग उसी के ऊपर सट्टा करा दिया करते थे, उसी का रेट बढ़ जाता था। यानी कि अगर 50,000 का फॉर्म आया तो अगले दिन वो 15,000 ऐड हो गया, 20,000 ऐड हो गया, वो 60-70-80,000 लाख रुपए पे चला गया। कई दफ़ा लोगों के इसके अंदर पैसे डबल हुए। लेकिन फिर कुछ साल पहले एक बैरिया की डील आती है, उसके अंदर फॉर्म यूं ही बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है, कुछ 8-10,000 वाला फॉर्म उठ के 2,00,000 रुपए पे चला जाता है। तो जिन लोगों ने वो 2-2,00,000 रुपए पे ख़रीदा, अचानक से एक अनाउंसमेंट आती है बाई बैरिया के, जी ये फॉर्म आपका, हमारा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन दे दें, तो वो जो सारा सट्टा फेक ऑन था वो ज़ीरो पे आ जाता है, लोगों के करोड़ों रुपए ज़ाया होते हैं। लेकिन सबक कोई नहीं सीखता। हालांकि बहरिया ने थोड़ी कहा था कि इसके ऊपर सट्टा करें, इसको ओन पे लेके जाएं, तो मार्केट में डीलर्स बैठे कर रहे थे। खैर, इसके बाद फॉर्म्स आ जाते हैं जी मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा फॉर्म जो आया आज तक, जो अभी तक बड़ा ऑथेंटिक चल भी रहता है, दैट इज़ अलकबीर। अब अलकबीर क्या करता है? अलकबीर हर साल फॉर्म्स लॉन्च करता है, लेकिन ये एक पर्पज़फुल फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है कि जी आपको एक 10-15,000 रुपये का फॉर्म दिया जाता है, नॉर्मली 10,000 का आता है। अलकबीर अनाउंस करता है 6-8 महीने बाद उसकी एक एडजस्टमेंट, क्योंकि अलकबीर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डील कर रहा है, कोई 8-10 प्रोजेक्ट्स इस टाइम चल रहे हैं जिसके अंदर लोगों के पास इंस्टॉलमेंट्स की मद में प्लॉट्स हैं, तो लोग उसकी ऑब्वियसली बात है हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो अलकबीर क्या करता है, साल के स्टार्ट के अंदर बहुत सारे फॉर्म भेज देता है जिसकी मालियत आप करोड़ों से लेकर अरबों तक कह सकते हैं, और कुछ महीनों के बाद या एक साल के बाद वो अनाउंस कर देता है कि जी जो आपने मेरे से 10,000 रुपये का फॉर्म लिया था वो 20,000 रुपये में एडजस्ट करा लें। तो एक्चुअली वैल्यू ऐड की जाती है। और अब वो ये क्यों करता है? क्योंकि देखो यार, अगर आप किसी बैंक से भी लोन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्लज कराना पड़ता है, फिर आप करोड़ों रुपया या अरबों रुपया उठा लेते हैं। लेकिन ये आप लोगों से लोन ले लिया जाता है, आप लोगों को कहा जाता है यार 10,000 का फॉर्म है आप ले लें, कुछ महीनों के बाद आपकी किस्तों में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप वैसे भी किसी सोसाइटी में एडवांस किस्तें भरें तो आपको पता ही है कि आपको डिस्काउंट मिलता है। तो समझें कि वो बहुत सारे लोगों से पैसे ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एडवांस इंस्टॉलमेंट्स, और बाद में जब उसकी एडजस्टमेंट दी जाती है तो आपके पैसे भी डबल हो जाते हैं, आपको किस्तों में बेनिफिट हो जाता है। और इन एक्चुअल अलकबीर ने आपसे सिर्फ पैसे लिए, उन्होंने आपको कभी वापस नहीं किए, क्यों? आपकी तो किस्तें पे हो गई और किस्तों के अंदर आपको फ़ायदा भी हो गया। तो विन विन सिचुएशन फॉर अलकबीर एज वेल एंड फॉर यू गाइज एज वेल। लेकिन इस असना के अंदर, इस सारे टेन्योर के अंदर बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी आ गए जिन्होंने फॉर्म लॉन्च किए। मज़े की बात यह है कि बहरिया अगर ये चीज़ करता था तो बहरिया के पास पीछे प्रोडक्ट होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें होती हैं जिसके अंदर एडजस्टमेंट आ जाती है, वो फॉर्म एडजस्ट हो जाता है। अलकबीर कर रहा था, उसके पास भी प्रोडक्ट था। अरबन आया, अरबन के पास भी पीछे प्रोडक्ट था तो उनका फॉर्म भी चला। इन फॉर्म्स के अंदर तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं दिनों के अंदर
चार पांच बंदे आपस में बैठ के सोचते हैं यार फॉर्म ही लॉन्च करना है, लोगों को झांसा ही देना है, हम भी लॉन्च कर लेते हैं। रायवंड रोड के ऊपर ही मैं पिछले 3-4 साल के अंदर आपको बता सकता हूँ करोड़ों रुपया लोगों से उठाया गया है इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। एक छोटा सा दफ्तर किराए पे लिया जाता है, 5 बंदे बैठते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के अंदर फॉर्म का ट्रेड स्टार्ट करते हैं, सब फेक, पीछे कोई ज़मीन नहीं, कोई लैंड नहीं, कोई कुछ चक्कर नहीं, नया नाम रखते हैं, नाम रख के फॉर्म लॉन्च कर देते हैं। 10,000 रुपये का फॉर्म आता है, आप जैसे मेरे जैसे लोग आते हैं वो जी बुकिंग कराते हैं, क्यों? क्योंकि महीने बाद के वो खुद ही 11,000 रुपये के बाहर बने होते हैं। अब वो क्या होती है, वो इन्वेस्टमेंट है, दफ्तर पे इन्वेस्ट किया, फॉर्म लॉन्च किया, फॉर्म कितने का, कागज़ ही प्रिंट कराना ना, 10 रुपये का लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, 10,000 रुपये की उसकी बेस वैल्यू रख दी जाती है। अच्छा, वो फॉर्म बिकता है और पहली दफ़ा लोगों को पैसे खिलाए जाते हैं, ट्रस्ट गेन किया जाता है, वो भी इन्वेस्टमेंट है, आपसे लेके आप ही को खिला दिया, कौन सी बड़ी बात है। कुछ अरसे के बाद उसका रेट और ऊपर लेके जाया जाता है और फॉर्म मज़ीद बेचे जाते हैं, और एक टाइम आता है कि जब आपको कहा जाता है कि जी महीने बाद आपने ना पैसे उठा लेने हैं, आपका 10,000 वाला फॉर्म 15,000 रुपये का सारों ने खरीद लिया, और आप जैसे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अपील कर रही होती है यार मार्केट में 10,000 का फॉर्म आया, 15,000 का बिक रहा है, आप भी बुकिंग करवाई जाते हैं, और जब करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाता है सब गायब हो जाते हैं, पीछे क्या बचता है, कुछ भी नहीं। सो दिस इज़ हाउ यू गाइज आर स्कैम्ड। और आप जिस दिन भुगतान लेने जाते हैं, एक टर्म यूज़ की जाती है इस ट्रेड वर्ल्ड के अंदर कि जाएं जी जाके भुगतान ले लें, भुगतान ये होता है कि मैंने आज 10,000 का फॉर्म लिया था, महीने बाद उसको 12,000 का भेज दिया, जब मैं लेने जाऊँगा उसकी पेमेंट तो एक्चुअली वो दफ्तर, वो लोग कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। यार देखो, कोई सोसाइटी हो ना, सोसाइटी के अंदर आपने फाइल ली है, फाइल आपको एक दफ़ा डेवलपर ने बेच दी, उसके पास पीछे LDA का अप्रूवल था, उसके लिए भागना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि इदारे भी एक्टिव हैं भाई, उसको कोई इदारा पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, कल को आप वो फाइल लेके जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं। एक कागज के टुकड़े का जिसके ऊपर लिखा होता है दिस फॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर 5 memberships ओनली, उस तरह के फॉर्म को आप किस कोर्ट के अंदर, किस कचहरी के अंदर लेके जाएंगे, और आपने उसकी डील कहां पे की हुई है, व्हाट्सएप के ऊपर? हम लोग इतने फजूल डिसीजंस लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। यार रियल स्टेट का मतलब है इन के रियल प्रॉपर्टी, रियल के अंदर जब हम फेक चीज़ें करेंगे, ये फेक है ना, एक फॉर्म ले लिया 10,000 का, ना उसके पीछे को प्लॉट है, ना उसके पीछे को कहानी है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन कैसे आएगी? एक फॉर्म आज मैं बेच देता हूँ, ठीक है, मैंने 1,000 फॉर्म बेच दिया, उसका रेट कैसे बढ़ रहा है, क्या उसकी शॉर्टेज हो रही है, क्या उसकी कहीं यूटिलाइजेशन है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। फाइलें है ना, एक ब्लॉक है उसकी 1,000 फाइल लॉन्च हुई है, फाइल जिस जिस तरह क्वांटिटी कम होगी उस तरह रेट बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई, फॉर्म के तो पीछे टूटियां चली हुई हैं, फॉर्म प्रिंट हुई जा रहा है प्रिंटिंग प्रेस से, उसका रेट कैसे कंट्रोल हो रहा है, सब फेक है भाई, इस चीज़ से बचें। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, लेकिन एक अवेयरनेस जनरेट करना है कि यार अपने पैसों को ज़ाया ना करें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पे जब लोग बात करते हैं, जब लोग कहते हैं कि फ्रॉड हो रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को बताएं कि यार फ्रॉड से आपने बचना है। मैं बैठा आपको नहीं कह रहा होता कि यार फॉर्म ले लो, क्यों ले लो फॉर्म? अगर आपका किसी सोसाइटी में प्लॉट है, आपने उसकी किस्तें अदा करनी ही करनी है, तो लो उसका फॉर्म। लेकिन ये क्या है कि किसी भी सोसाइटी का कोई भी 4 बंदे मिलके एक ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे वहाँ पे फॉर्म लॉन्च कर देते हो और फॉर्म खरीद लेते हो, और उस फॉर्म की कोई सर पैर नहीं है, ना आपने चेक करना है पीछे कौन है कौन नहीं है, वो 4 लोग लैंड क्रूजर लैंड पे लेके आपको बेवकूफ़ बना के फॉर्म बेच के निकल जाते हैं, और आप फिर इल्ज़ाम पूरी इंडस्ट्री पे लगाते हैं, तो ऐसे नहीं चलता भाई। इन चीज़ों से आप लोगों ने खुद बचना है। मैंने आपको अलकबीर, अर्बन सिटी और इनका नाम इसलिए लिया कि अगर आपको ज़्यादा ही अखीर आई हुई है कि मैंने 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करनी है और मैंने 10,000 रुपये से पैसे कमाने हैं, तो भाई किसी ऑथेंटिक प्रोडक्ट में लगा लो, एटलीस्ट कल को कोई वाले वायरस है। लेकिन ये जो नए नए फॉर्म 10,000 का आया, 50,000 रुपये चला गया, 60,000 रुपये चला गया, देर इज़ नो वैल्यू एडिशन, और ये अनरीजनेबल प्रॉफिट्स जहाँ पे भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे भी बताए जाते हैं, वहाँ पे ही फ्रॉड होता है। वो एक मिसाल है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जब तक लालची ज़िंदा है फ्रॉडिया भूखा नहीं मरता। तो हमारे जो फ्रॉडिये हैं वो भाई नहीं भूखे मर सकते, क्योंकि मैं आपको मिसाल देता हूँ, यही रायवंड रोड पे 2-3 सोसाइटियों ने फॉर्म लॉन्च किए, खैर वो सोसाइटियाँ तो नहीं थे, 2-3 लोग ही थे, फॉर्म लॉन्च हुआ जी 10,000 रुपये का, वो गया 22,000 रुपये पे। मैं गारंटी करता हूँ आज की डेट में 500 रुपये में रोल रहा है वो फॉर्म,
ठीक है, क्यों? क्योंकि पीछे को बंदा ही नहीं है, वो लोग अपना फॉर्म खरीद ही जा रहे हैं और वो ख़त्म कर रहे हैं और अपने सबूत भी मिटा रहे हैं। इसी तरह एक और सोसाइटी आई, ये तो चलो 500 का बिक रहा है, उसका तो कोई वाले वारिस रहा ही नहीं, वो तो कोई डीलर था, उसने अपने दफ्तर बनाया थोड़ा सा अच्छा, क्रूज़र रेंट पर लिया और लोगों को फॉर्म बेच के निकल गया। ये आप लोगों खुद अपने साथ फ्रॉड कराते हो, इसके अंदर किसी का कोई कसूर नहीं है। जाएँ जाके किसी ऑथेंटिक प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें, जिन लोगों ने रियल स्टेट में पैसे बनाए हैं उन्होंने इस फॉर्म ले के नहीं पैसे बनाए, उन्होंने प्रॉपर्टियां लेके बनाए हैं। किस्तों पे प्लॉट लें, उसकी किस्तें दें, किस्तें दे के सब्र करें, इंतज़ार करें। ये हम लोग ना असल में बहुत ज़्यादा जल्दी में, आजकल हम चाहते हैं कि आज पैसा लगाया कल डबल हो जाए, यूँ नहीं होता। अगर यूँ डबल डबल होता होता ना सारी दुनिया अमीर हो जाती। पैसा लगाएं, उस पर पैरा दें, सब्र करें, इंतज़ार करें, वहाँ पर वैल्यू ऐड होने दें। अब एक जगह है, अगर एक प्लॉट आपने आज 10 लाख का लिया है, वो 10 लाख के अंदर पैसा कैसे ऐड होता है? वहाँ पर आबादी होगी, डेवलपमेंट होगी, हर चीज़ जो वहां पे एक्टिविटी की जाएगी वही उसकी वैल्यू एडिशन करेगी। तो जब तक वैल्यू एडिशन का आप वेट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप अगर बहुत ज्यादा जल्दी में है कि जी मैं इससे पैसा बना लूं, तो भाई आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। डोंट प्ले विद योर मनी, मेरा आपको यही मशवरा है। और ये डिटेल में आप लोगों को समझाने का बेसिक मकसद ही ये था कि यार आप लोग जो है ये फॉर्म्स और इस तरह के स्कैम्स से थोड़ा सा दूर रहें, बचें, अपना और अपने बच्चों का रिस्क ज़ाया ना करें। मैं ज़्यादा लोगों के नाम नहीं लेना चाह रहा था और मैं लूँगा भी नहीं, अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही फिर दुश्मनियाँ पालने वाली बात है। लेकिन जो मैंने आपको बताना था, मेरा ख्याल है कि मेरा मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप लोग खुदा रा फॉर्म से दूर रहा करें, इसमें किसी किस्म की कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। रियल स्टेट के जो लोग हैं वो इस तरह के पंगे लेते रहे, उनको सूट करते हैं। आप ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल बैठ के इतना बड़ा रिस्क ना लिया करें। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई ज़ीशान रसूल, अल्लाह हाफिज़।